परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तप की शक्ति सदा हम सभी के जीवन में बरसती रहे। सकारात्मक सोच के साथ लगातार गुरु का कार्य करते हुए अपने जीवन को हम बेहतरीन बनाएं, ऐसी मंगल कामना, ऐसी प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव से है। मित्रों, हर रविवार को हम सभी यहाँ आते हैं एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के, एक सार्थक उद्देश्य को लेकर के कि कैसे हमारा जीवन बेहतर बनता चला जाए। हर युवा जो आकर के पटना में तैयारी करता है उसका लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से वो सामना करना पड़े। कई लोग शिकायत करते हैं कि साहब मेरे जीवन में तो खुशहाली आती ही नहीं है, मेरे जीवन में केवल कष्ट रहता है, मेरे जीवन में केवल कठिनाई रहती है। उन कष्ट से, उन कठिनाइयों से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग प्लानिंग करने के लिए यहाँ बैठते हैं। इसलिए यहाँ पर बैठते हैं कि हमारे जीवन में जितनी सारी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से खेलते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए। अभी आप जो गाना सुन रहे थे, संगीत सुन रहे थे, तूफान है तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, बिल्कुल सत्य और प्रैक्टिकल बात है। उसमें कई जगह ये भी आया कि आज के समय में सारे मानव दुखी हैं। आपको गिने चुने लोग ही ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि साहब मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, कुछ ही एक दो लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे किसी तरह की कमी नहीं है। आज के समय में, वर्तमान समय में हर एक इंसान दुखी है, हर एक व्यक्ति दुखी है। परमात्मा ने इंसान को बनाया था तो इस उद्देश्य से बनाया था कि साहब इसके जीवन में अगर कष्ट होगा तो ये अपने कष्ट को दूर कर सकता है, इसके पास इतनी मानवीय क्षमताएँ हैं। आप अगर देखें तो किसी भी जानवर के पास मस्तिष्क नहीं है, किसी भी दूसरे पशु पक्षियों के पास मस्तिष्क नहीं है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा बेहतरीन जानवर भी कह सकते हैं, बायोलॉजी में हम लोग जानवर पढ़ते हैं, मनुष्य भी जानवर, भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा जानवर जिसे भगवान ने मानवीय मस्तिष्क दिया। और वो मस्तिष्क इतना ज़्यादा पावरफुल दिया, वो मस्तिष्क इतना ज़्यादा प्रतिभाओं से संपन्न दिया जिससे वो चाह करके जिस चीज़ को हासिल करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन इसकी मानवीय क्षमता अलग कहा रही है, तो जितने भी ज़्यादा आज के समय उल्टे पुलटे काम है उसमें उसकी मानवीय क्षमताएं लग रही हैं। आपने विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि किसी भी चीज़ को अगर ऊपर चढ़ाना होता है तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स देकर के ऊपर चढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपके घर में अगर मोटर लगा होगा तो मोटर को जब हम चलाते हैं तो मोटर में अगर वोल्टेज जाता है, एक हेवी वोल्टेज जाता है, तो वो पानी को ज़मीन से खींच करके ऊपर ले जाता है और टंकी में ले जा करके भर देता है। लेकिन उसी टंकी में रहने वाला जो पानी, जो पूरा का पूरा भरा हुआ है, लबालब पानी से टंकी भरा हुआ है, उसको अगर आप पानी को नीचे गिराना चाहें तो आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जाकर के नल की टोटी खोल देनी है, केवल जाकर के नल खोल देना है, बिना कोई बल लगाए टंकी का पूरा पानी खाली होती देर नहीं लगेगी। मेरे मित्र, जीवन में अगर अपनी कैरेक्टर को, अपने आदर्शों को, अगर अपने व्यवहार को, आचरण को ऊपर चढ़ाना होगा तो उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके कठिनाई से ही चढ़ाया जा सकता है। जितने भी महापुरुषों का आप जीवनी पढ़ करके देखें, उन्होंने अपने जीवन के साथ संघर्ष कितना किया आपको पता चलेगा। आप किसी के भी उठा करके पढ़ें, महात्मा गांधी की जीवनी उठा करके पढ़ें, 40 साल तक जाने के बाद उनका बुक पढ़िए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसमें वो लिखते हैं कि 40 साल की अवस्था के बाद मैंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को पकड़ा। मैं बहुत कामुक व्यक्ति था, मैं बहुत ज़्यादा कामुक व्यक्ति था, मेरे जीवन में मेरा शारीरिक पौरुष कुछ था ही नहीं, लेकिन 40 साल जाते जाते जब मैंने अपने ब्रह्मचर्य को साधा तो पूरा विश्व मेरे नाम से हिलता था कि गांधी आ रहे हैं। अंग्रेज जो भारत के ऊपर 100 साल से ज़्यादा 200 साल से गुलामी कर रहा था, गांधी का नाम सुनते ही उसके भी मन में उसका कलेजा एक बार कांप उठता था कि साहब गांधी से अब सामना होना है। गांधी ने कभी हथियार नहीं उठाया, कभी अस्त्र नहीं उठाया। विश्वामित्र राजा थे, विश्वामित्र राजा युद्ध में गए, जंगल में शिकार करने गए, जंगल से शिकार से जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम मिला। ऋषि के आश्रम में जाकर के वो बैठते हैं, कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दो। ऋषि कहता है कि आप अकेले खाना आपको कैसे खिलाएंगे, आपके साथ पूरा का पूरा आपका सैनिक है, हजारों घोड़े हैं, हाथी हैं, आप पूरा का पूरा अपना सैन्य तंत्र लेकर के निकले हैं शिकार करने के लिए, सारे सैनिकों को बुलाइए, सब भूखा होगा, सबको हम भोजन देंगे। ऋषि वहाँ पर राजा विश्वामित्र कहते हैं कि आपके पास उतना भोजन नहीं होगा कि आप मेरे सैनिकों को खिला सके, हजारों सैनिक है, हजारों सैनिक, हजारों घोड़े, हजारों हाथी, उनको आप कहाँ से भोजन खिलाएंगे। ऋषि कहते हैं कि आप उन्हें बुला करके ले आओ, मेरे पास सारी व्यवस्था है, मैं आपको खिला दूंगा। विश्वामित्र राजा बुला करके ले आते हैं, ऋषि सबको बैठा करके खाना खिलाता है। ऋषि से राजा प्रश्न करते हैं कि आपके पास इतनी धन संपदा आई कहाँ से, आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि आपने हजारों लोगों को भोजन खिला दिया, आपकी तो कुटिया इतनी छोटी है कि मुश्किल से 2-4-10 लोगों को खाना खिलाना हो तो आप पर आफत आ जाएगी। ऋषि ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एक साधारण ऋषि नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा ठीक है, आप ब्राह्मण हैं तो फिर भी आपके पास इतनी संपदा आती कहाँ से है। तो वहाँ पर ऋषि बोलते, विश्वामित्र पूछते हैं कि संपदा आती कहाँ से, तो ऋषि का कहना था कि मेरे पास कामधेनु है।
कहते हैं मेरे पास कामधेनु। अच्छा, कामधेनु क्या होती है? तो कामधेनु वह गाय है जिसके समक्ष जाकर के आप जो भी मनोकामनाओं को रखते हैं वो मनोकामनाएं आपके तत्क्षण पूरा हो जाती है। लेकिन शर्त एक होनी चाहिए, उस कामधेनु को केवल ब्राह्मण ही धारण कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि गायत्री कामधेनु है, उस गायत्री को केवल और केवल ब्राह्मण ही धारण कर सकता है। अगर ब्राह्मण जीवन नहीं जिया तो हजारों गायत्री मंत्र का जप कर ले, वो पूरा का पूरा निरर्थक होने जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा कि अच्छा, उसको ब्राह्मण जप सकता है तो मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं उसकी उपासना करूंगा, आप एक काम करो वो गाय मुझे दे दो। ऋषि ने कहा कि वो गाय आपके पास नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी मेरे पास? राजा पूछते क्यों नहीं रहेगी मेरे पास? तो साहब, इसलिए वो गाय आपके पास नहीं रहेगी क्योंकि आपके जीवन में ब्राह्मणत्व नहीं है, आपके जीवन में ब्राह्मण का कोई गुण नहीं है। राजा कहते कैसे कहते हो ब्राह्मण का गुण नहीं है? आज पूरा का पूरा पृथ्वी, पूरा का पूरा वसुधा जो है, पूरे भारतवर्ष पर मेरा शासन चल रहा है। किसी भी क्षत्रिय के पास जाकर के विश्वामित्र का नाम ले लो, उसका कलेजा एक बार कांप उठता है कि साहब विश्वामित्र ऋषि है। सारे राजा महाराजा मेरे सामने नतमस्तक रहते हैं, कैसे आप कहते हैं कि मैं वैभवशाली ब्राह्मण नहीं हूँ? ऋषि कहते हैं कि आप ब्राह्मण नहीं हो। विश्वामित्र कहते हैं उस गाय को हम जबरदस्ती तुमसे छीन करके ले जाएंगे। जाते हैं, गाय को पकड़ करके ले आते हैं। ऋषि गाय के पास जाता है, जाकर के वो कहते हैं कि माँ कामधेनु, अब अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी होगी, इस राजा को आप परास्त कर दो। कामधेनु तुरंत तत्क्षण इतने हजारों लाखों सैनिकों को जन्म देती है और उस राजा को परास्त कर दिया जाता है। विश्वामित्र वहाँ परास्त हो जाते हैं और आंखों में आंसू लेकर के ऋषि के सामने नतमस्तक होकर के कहते हैं, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक बलम क्षत्रिय बलम, धिक्कार है क्षत्रिय के बल पर। क्षत्रिय कहने का मतलब क्या? धिक्कार है पूरा पैसा रुपया वैभव संपदा के बल पर। साहब आपके पास, आप तो ऋषि हो, आपके पास छोटी सी कुटिया, ना पैसा ना रुपया, कुछ नहीं है आपके पास। लेकिन संसार को जब भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, संसार को जब भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आप इतने ज़्यादा समर्थशाली हो कि आप किसी भी चीज़ की, किसी की भी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हो। परम पूज्य गुरुदेव के पास रुपया पैसा नहीं था, परम पूज्य गुरुदेव के पास बहुत संपदा नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा गायत्री परिवार कैसे उन्होंने खड़ा कर दिया, आप सोच करके आश्चर्य रह जाइएगा। मदन मोहन मालवीय के पास रुपया पैसा नहीं था, कुछ नहीं था मदन मोहन मालवीय के पास। घूम घूम करके BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए पैसा उन्होंने मांगा, लेकिन भगवान ने जब दिया तो BHU का कैंपस जैसा विश्वविद्यालय खड़ा होता चला गया और पूरे विश्व से लोग आकर के वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप दिन भर भी पैदल चल करके सोचो कि BHU का कैंपस घूम ले तो आपके लिए, हमारे लिए संभव नहीं है। उतना बड़ा कैंपस खड़ा कैसे होगा? ये सारा का सारा ब्राह्मण का बल है, ये सारा का सारा ब्रह्मतेज का बल है। युवा प्रकोष्ठ लगातार विद्यार्थियों के बीच में यही कार्य करता है कि उनके अंदर से क्षत्रिय बल है वो ठीक है, लेकिन उस क्षत्रिय बल के साथ साथ एक उनके पास ब्रह्मतेज का बल हो। अब ब्रह्मतेज का बल आता कहाँ से है? ब्रह्मचर्य को सटीक और निरर्थक रूप से नहीं, सार्थक रूप से अपने जीवन में धारण करने से आता है। हम चाहते हैं, युवा प्रकोष्ठ ये चाहता है कि सारे इसमें आने वाले युवा अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को उतारे। कई लोग पूछते हैं ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं? साहब ब्रह्मचर्य दो तरीके से साधता है, पहला तो शारीरिक ब्रह्मचर्य और दूसरा मानसिक ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य साधना सबके लिए बहुत आसान है, उसमें तो बहुत मुश्किल होता नहीं है। अपने वीर की रक्षा कर रहे हैं मजबूती से, आपका शारीरिक ब्रह्मचर्य सद गया। लेकिन जब बात आती है मानसिक ब्रह्मचर्य को साधने की, तो यहाँ पर कठिनाई आती है कि साहब मानसिक ब्रह्मचर्य साधे कैसे? कई लोग आकर के शिकायत करते हैं, भैया आप लोग यहाँ से बताते हैं कि कोई भी बुराई में लिप्त मत रहो, प्रयास करते हैं नहीं रहना, लेकिन दोस्त आ जाता है आकर के दिखा देता है तो देखने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या करें? मानसिक ब्रह्मचर्य साहब कहीं ना कहीं मेंटल स्टेमिना बहुत कम है, कहीं ना कहीं मानवीय क्षमता बहुत कम है। हम लोगों के गायत्री परिवार के ही एक थिंक टैंक उनको कहा जाता है, पूरा गायत्री परिवार में जितने सारे विचार होते हैं उनके समक्ष जाता है आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय बाबूजी, शांति कुंज हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने कहा है, दुनिया के दबाव में भटके नहीं, दुनिया को दिशा देने की स्थिति में आए। दुनिया के दबाव में भटके नहीं, दुनिया को दिशा देने की स्थिति में आए। सारे लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, सारे लोग जिस धारा में चल रहे हैं, उसी धारा में अगर अपने आप को हम लोग चलाने लगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को कमजोर साबित करेंगे। सारी दुनिया उस समय आराम में आलस में गुजर रही थी, लेकिन उस सदी में जाकर के स्वामी विवेकानंद स्टैंड हुए, खड़ा हुए और कहा कि इस गुलाम देश भारत की संस्कृति और सभ्यता को पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के मानस पटल पर लाना है। विवेकानंद बनकर नरेंद्र से विवेकानंद बनते चले गए। भगत सिंह ने कहा कि साहब 200 वर्षों से हमारा देश गुलाम है, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय सोचना भी एक हिम्मत वाला काम था कि साहब भारत को आज़ाद कराना है। वो खड़े हुए और जाकर के भारत को उन्होंने आज़ाद कराया। और आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है कि साहब एक नौकरी मिल जाता उसके बाद जीवन सफल हो जाता। नौकरी मिलने के बाद क्या मानव जीवन सफल हो जाएगा? 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, 65 साल के बाद यहाँ से चले भी जाना है। एवरेज आयु 65 साल है, 60 साल में रिटायरमेंट, 65 साल में मर जाओ, मानव जीवन सार्थक है क्या? परम पूज्य गुरुदेव का लिखना है,
जो मनुष्य केवल पेट पालन और प्रजनन करने के लिए जिंदा रहता है वो नर पशु है, यानी इंसान के रूप में घूमने वाला वो पशु है। अब हमें अपने ऊपर सोचना है साहब कि हम नर पशु बन करके तो क्या इस जीवन को नहीं जी रहे हैं। जीवन का एक सार्थक उद्देश्य, सबको प्यार करो, सब में प्यार बांटो, रिटर्निंग आपको प्यार ही काटने के लिए मिलेगा। एक आप काला गेंद ले लें और काला गेंद दीवार पर चला करके जोर से मारें, उधर से कौन सा रिटर्न गेंद आएगा? काला ही गेंद आएगा। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है जिससे आपकी जो भी विचारणाएं होती हैं, भले ही कई बार होता है कि साहब किसी के मुंह पर आप उसकी तारीफ कर देते हैं कि ये इतना अच्छा है, इसके अंदर का ये व्यवहार इतना अच्छा है, लेकिन जब उसके मन में, आपके मन में उसके प्रति सम्मान नहीं है, उसके आपके मन में उसके प्रति विचारणा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग घूमेंगे जो आपको हमेशा परेशान करने के लिए उत्सुक रहेंगे। मेरे मित्र, सबसे प्यार करना, सबसे प्यार बोटना, और रिटर्निंग में जब इतना प्यार मिलेगा कि काट करके रखने के लिए जगह आपके पास नहीं मिलेगी। युवा प्रकोष्ठ लगातार ऐसे ही युवाओं को बनाते जा रहा है, ऐसे ही युवाओं का निर्माण करते जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का सपना था धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय, यानी मनुष्य को मैं देवता बना दूंगा, गुरुदेव का ये नारा है। सारे मनुष्य अगर देवता बन जाएंगे तो कोई मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना नहीं करेगा, सारे लोग तरसेंगे कि पृथ्वी पर जन्म लेकर के यहाँ पर स्वर्ग की हम स्वर्ग को देख सकते हैं। वर्तमान समय में हमें ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। पर डे एनालिसिस करना, पर डे एक बार सोचना, प्रत्येक दिन एक बार ये धारणा करना कि साहब हमारी ज़िंदगी क्या सही दिशा में जा रही है। आप जिस लॉज में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, आपका लॉजमेट कैसा है, आपका लॉज में रहने वाले दोस्त कैसे हैं, आपका रूममेट कैसा है, आपके अंदर तो इतनी क्षमता जरूर होनी चाहिए कि जिस लॉज में आप रहते हैं उस लॉज का एक भी लड़का भटक नहीं पाए। इतनी तो मानवीय क्षमताएँ पैदा की ही जा सकती हैं। कोई भी रिमोट कंट्रोल से यहाँ पर नहीं आता। विवेकानंद भी जन्म लिए थे, एक प्रोसेस से जन्म लिए थे। परम पूज्य गुरुदेव आए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आए, भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद आए, सब लोगों ने धरती पर जन्म ही लिया। साधारण रूप से हमारे आपकी तरह उन्होंने भी जन्म लिया, समय भी उनको उतना ही मिला 24 घंटा का जितना भगवान ने हमें दिया है। फिर वो महामानव की श्रेणी में, हम लोग नगण्य पशु की श्रेणी में क्यों हैं? विचार यहाँ करना है। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। जिस दिन ब्राह्मण बन करके गायत्री का जप कर लिए, गायत्री बताती है कि ऋग्वेद में चर्चा भी है कि अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चस। गायत्री वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन में आयु देती है। जिसके घर में गायत्री की सच्ची उपासना होती है और जो ब्राह्मण है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। आयु प्राणम, गायत्री प्राण शक्ति देती है। मन में इतना इंटरनल पावर रहेगा, अंदर से इतना फिट रहिएगा कि जिसके सामने जाकर के एक बार ललकार दीजिएगा, जिस युवा के सामने जाकर के एक बार उसे सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करिएगा, आपसे वो अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा। गांधी ने गायत्री की साधना की, प्रत्येक दिन बैठ करके आधे घंटे गायत्री का मेडिटेशन किया, सूर्य का उन्होंने ध्यान किया, प्रखर व्यक्तित्व इतना आया कि भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सारे लोग सोचते थे कि एक बार गांधी से गेट टुगेदर हो जाए, एक बार गांधी से जाकर के मिल ले। आधे घंटे की साधना के वह प्रभाव हुआ। आपके स्वामी विवेकानंद गायत्री का 2 घंटे प्रतिदिन साधना करते थे और सूर्य का ध्यान करते थे। उनके अंदर इतनी प्रतिभा आई कि जाकर के शिकागो जैसे देश में भारत की संस्कृति सभ्यता को बताएं। दूसरा, गायत्री प्राण देती है, प्रजा देती है, पशु देती है, कीर्ति देती है, पूरे विश्व में लोक सम्मान देती है, और अंततोगत्वा जब मृत्यु होती है तो वो ब्रह्मलोक पहुंचा करके परम ब्रह्म से जाकर के मिला देती है। गायत्री में सारी साधनाएं हैं। शर्त एक, मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। शर्त एक, जीवन में ब्राह्मणत्व का उदय होना चाहिए। नहीं साहब, हम तो कबाड़ी रहेंगे और कबाड़ी रह करके गायत्री मंत्र का जप करेंगे। करो जप, मरते दम पर जप करोगे कोई गायत्री फल नहीं देगी। सबसे पहले ब्राह्मण का तो गुण धारण करना होगा। ब्राह्मण का गुण है क्या? तो साहब, किसी से धोखा नहीं देना, किसी को फ्लर्ट नहीं करना, किसी को चीट नहीं करना, किसी से झूठ नहीं बोलना। सड़कों पर चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते चलते देखें एक बार आँख मार दिए, साहब ये ब्राह्मण का गुण नहीं है। रावण एक बार होता था तो रावण भी प्रत्यक्ष था कि साहब रावण अपने पुष्पक विमान से उड़ रहा है, सारे के सारे लोग साइड दे देते थे, अपने अपने घर में घुस जाते थे कि साहब रावण आ रहा है, रावण आ करके ये करेगा। आज के समय में तो रावण का पहचान ही नहीं है कि कौन रावण कहाँ से अटैक कर देगा। सड़क पर रावण चल रहा है, कौन सा रावण है इसमें, कौन सा थोड़ा कम रावण है, ये पता करना मुश्किल है। मनुष्य है कहाँ धरती पर? आप कल्पना करिए, मनुष्य है कहाँ? हम लोग कहते हैं साहब हम लोग इंसान हैं, इंसान का क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रावण ने सीता का अपहरण किया, लंका में ले गया, लेकिन रावण ने भी सीता को तब तक स्पर्श नहीं किया जब तक सीता जी शर्त रख दिया था कि जिस दिन आप कहोगी कि आप मुझसे शादी कर लो उसी दिन आपको हम स्पर्श करेंगे। आज के समय का ये रावण, इसको तो किसी परमिशन की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही अपहरण करके और पता नहीं ये क्या क्या करता चल रहा है। तो वो रावण राक्षस था, तो इस रावण को किस उपाधि में रखा जाए आप खुद कल्पना करके सोचिए। मनुष्य में मनुष्यता का उदय करना होगा, मनुष्य को तो पहले मनुष्य बनाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं साहब हम युवा हैं, आदरणीय मनीष बिहार संडे को कहते हैं युवा नहीं है, युवा बनना पड़ेगा, युवा बनना पड़ेगा। पहले युवा का जो गुण होता है वो पहले जीवन में धारण करना पड़ेगा,
तब युवा बनकर के निकलेंगे। मेरे मित्र, भारत के सामने अभी विषम परिस्थिति है, भारत के युवाओं के सामने अभी विषम परिस्थिति है। सारे लोग बड़े, आप कहते हैं कि साहब हम हीरो बन जाए। हीरो कहने का मतलब क्या, लोग हमें भी आदर्श माने। अच्छा, आपको आदर्श बनना है तो सबसे पहले आदर्श व्यक्तित्व अपने अंदर धारण करिए। आदर्श व्यक्तित्व कैसे आएगा, आदर्श व्यक्तित्व आने का क्या गुण है, तो आपके अंदर समाज के प्रति दर्द होना चाहिए, आपके अंदर समाज के प्रति पीड़ा होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भैया ब्रह्मचर्य सत्ता ही नहीं, रात में सोते हैं ब्रह्मचर्य गायब हो जाता है। अच्छा साहब, कैसे गायब हो जाता है, 65 साल की जिंदगी और कार्य तो इतना करना है, काम तो इतना ज़्यादा बाकी है कि उसके ऊपर एक बार चिंतन मनन कर लीजिएगा तो आँखों की नींद उड़ जाएगी। काम तो अभी इतना करना है, 65 साल की जिंदगी है, कभी बैठ करके सोचिएगा कि काम क्या क्या करना है। तो साहब टारगेट बनाओ ना कि राष्ट्रपति बन करके निकलना है, सारी नींद गायब हो जाती है कि नहीं हो जाती है। टारगेट लेकर के चले, बैंक में चल जाना है, क्लर्क बन जाना है और क्लर्क बन करके वहीं पर जीवन समाप्त कर देना है। SSC में चल जाना है, ऑफिसर बन जाना है, जाकर के वहीं जिंदगी समाप्त कर लेनी है। डॉक्टर बन जाना है, 65 साल के बाद रिटायरमेंट दे करके लोगों को लूट लेना है, 700, 800, 1000 रुपया फी रखेंगे, लोगों को लूटेंगे, लूट करके मर जाएंगे। साहब इंजीनियर बनकर के जीवन का एक खूबसूरत लक्ष्य हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक बने, प्रोफेसर बने, मिसाइल मैन बने, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका जीवन में कभी ये नहीं हुआ कि साहब उनका जीवन कोई कह दे तो निरर्थक। एक एक मिनट का सदुपयोग, संगीत से प्यार, जब भी फ्री के समय में बैठते थे तो अपने राष्ट्रपति भवन में बैठ करके चारों तरफ उनका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा रहता था, उसमें से वीड़ा बजाना उन्हें पसंद था। वीड़ा निकालते थे और वीड़ा निकाल करके मजे में डॉक्टर कलाम वीड़ा बजाते थे। परमाणु रिसर्च में Agni-5 तक का उन्होंने सीरीज दिया, Agni-5 तक का उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया और भारत को पूरा का पूरा विश्व के सामने ये मिसाइल से संपन्न राष्ट्र बनाया। ये प्रतिभा उनके जीवन में अगर आया तो वैसा दर्द और वैसी पीड़ा अगर हमारे जीवन में आए। सैलरी तो मिलता था, राष्ट्रपति की सैलरी जो होती है 1.5-2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो सैलरी उनकी मिलती हो, उस सैलरी का व्यक्तिगत जीवन में उपयोग न करके अपने गांव में डोनेट कर देते थे, स्कूल में, अस्पतालों में डोनेट कर देते थे। साहब ये प्रतिभा होती है। आपके पास आने वाले समय में बहुत पैसा होगा, बहुत रुपया होगा, बहुत धन होगा, संपदा होगा, घर होगा, दौलत होगा, इज्जत होगा, शोहरत होगा, मान होगा, सम्मान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उन सारे चीज़ों को अगर एक बार आपने ठान लिया कि अपने हित में नहीं परहित में खर्च कर देंगे, हम भी महामानव बनते हुए चले जाएंगे। अपने निहित स्वार्थों में खर्च न करके परमार्थ के कार्यों में खर्च करना सिखाता है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र सिखाता है पहले हल्का बन जाओ। साहब आपके पास एक डिब्बा पानी है, एक बोतल पानी है, उस बोतल में अगर आपको और पानी भरना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस बोतल को पूरा का पूरा खाली करना पड़ेगा। नहीं साहब, हम बोतल खाली क्यों करें, बोतल तो भरा हुआ है, बोतल खाली क्यों करें। जब तक बोतल खाली नहीं करिएगा तब तक उसमें भगवान नहीं भरेगा। बोतल खाली कर दो, अपने आप भर जाओगे। अपने आप को अहंकार से एक बार मुक्त कर दीजिए, अपने आप को एक बार ईर्ष्या द्वेष से मुक्त कर दीजिए, अपने आप को सारी बुराइयों से मुक्त कर दीजिए। भगवान जब डालेगा तो सद्गुण ही डालेगा, भगवान डालेगा तो सद्विचार ही डालेगा और उसके बदौलत जीवन सफल बनता चला जाएगा। एक बार की घटना घटी, स्वामी विवेकानंद, उस समय नरेंद्र ही थे, अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शरण में गए। वहाँ पर उनके शरण में जाने के बाद पूरे के पूरे समाज में वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के लिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का प्रचार करने लगे। लोगों के समक्ष जाते थे और बताते थे कि हमारे गुरु का जीवन ऐसा है, आप भी परमार्थ का कार्य करिए, आपका भी जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। एक शिष्य आया रामकृष्ण परमहंस के पास, आकर के उसने कहा कि आपको पता है विवेकानंद एक बार जब छोटा था, नरेंद्र एक बार जब छोटा था, तो बचपन में सीढ़ी से खेलते हुए उसका पैर फिसल गया था और वो गिर गया था, उसका सिर फूट गया था और बहुत सारा खून गिरता रहा, 2-2.5 घंटे तक वो बेहोश रहा, बहुत ज़्यादा उसको माइंडली इंजरी लगा, आघात लगा है उसे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कितना देर बेहोश रहा, तो साहब 3 घंटे तक लगभग वो बेहोश था, ब्लड बहुत ज़्यादा गिरा था, हाँ खून भी बहुत ज़्यादा गिरा था। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए कहते चलो अच्छा ही हुआ, उतना तो उसका सिर फूटा, अच्छा हुआ, सिर फूटना उसका जरूरी था। वो शिष्य था, वो कहता आप कैसे गुरु है साहब, आप कहते हैं कि शिष्य का सिर फूट गया, शिष्य के मस्तिष्क में चोट लग गया, खून गिरा, उसका मस्तिष्क कमजोर हो गया गुरु जी, उसका दिमाग कमजोर हो गया, आप समझते नहीं है। गुरुदेव ने वहाँ पर कहा कि अभी उसका सिर फूट गया था, रामकृष्ण परमहंस समझाते हुए कहते हैं वहाँ पर उसका सिर फूट गया था तब उसका मस्तिष्क कितना ज़्यादा प्रभावशाली और सक्षम है, अगर उसका सिर नहीं फूटा हुआ रहता, उतना ज़्यादा खून नहीं गिरा रहता, उतना उसका मस्तिष्क कमजोर नहीं हुआ रहता, तो इतना समर्थ और शक्तिशाली मस्तिष्क लेकर के जन्म लिया था कि पूरी ब्रह्मांड में अकेला आग लगा देता, इतना ज़्यादा प्रभावशाली मस्तिष्क लेकर के नरेंद्र जन्म लिया था। मेरे मित्र, वो सारा का सारा विवेकानंद को जीवनी को पढ़िएगा तो कठिन ब्रह्मचर्य और लोगों के प्रति पीड़ा से हुआ था। 400 पन्नों की मोटी मोटी पुस्तकों को महज आधे घंटे में पढ़ जाने की जो क्षमता आई थी वो व्यक्तित्व के प्रखर करने के बाद आई थी। आप कल्पना करिए 400 पन्नों की
किताब किताब हमें मिले तो हम लोग उसको कितना दिन में ख़त्म करेंगे, 6 महीना 8 महीना 10 महीना में ख़त्म करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताब लिख दिया, आज से बैठ करके मरने दम तक अगर उनकी पुस्तकों का स्वाध्याय किया जाए तो मरते समय भी 2-4 किताब बाकी ही रह जाएगा, वो नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे मित्र, उतनी ज़्यादा पुस्तकों का उन्होंने लेखन कर दिया, हम आप कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, पढ़ेंगे क्या? तो साहब, बिल गेट्स विश्व का सबसे धनी व्यक्ति, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन, उसके पास इतनी संपदा है कि वो कुछ भी कर सकता है। बिल गेट्स कुछ भी कर सकता है, अच्छा कुछ भी कर सकता है। जीवनी पढ़ करके देखिए ना क्या मिलता है बिल गेट्स का। नॉन मैट्रिक व्यक्ति, मैट्रिक पास नहीं है, नॉन मैट्रिक, 8वां 9वां जो भी वो पढ़े हों, मैट्रिक में जाने के बाद फेल हुए हैं, अपने जीवनी में लिखते हैं आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन माई एग्जामिनेशन, मैं अपनी परीक्षा में कुछ विषयों में फेल था। आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट इन माई एग्जामिनेशन, मैं अपनी परीक्षा में कुछ विषयों में फेल था, बट माई फ्रेंड्स पास इन देम ऑल, लेकिन मेरे सारे दोस्त उन सभी विषयों में पास थे। एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में दे ऑल आर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर हैं, एंड आई एम द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूँ। बिल गेट्स ऐसा लिखते हैं। साहब कल्पना करो, नॉन मैट्रिक व्यक्ति जिसके जीवन में असफलता के अलावा कुछ आया ही नहीं, उस समय कह रहे हैं साहब हम तो मैट्रिक पास नहीं कर रहे हैं, अरे हम तो मैट्रिक पास नहीं कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कर देंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी बना देंगे जहां पर हजारों लोग आकर के रोजगार लेंगे, हमको तो मैट्रिक पास करना नहीं आया। तो अरे क्या बात करते हैं, कल्पना शक्ति तो इतनी ज़्यादा है कि जो चाहे जिस रूप में चाहे हासिल करने की क्षमता है। डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, दिशा पॉजिटिव होना चाहिए, उधर अपनी शक्ति को लगाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के गोद में बैठ करके एक बार मेडिटेशन ध्यान कर करके देखिए, अपने भावों को उनके भावों के साथ जोड़ करके, आपके भाव उनके भावों के साथ जुड़ेंगे कैसे, तो उनके पुस्तकों का स्वाध्याय करिए, पता चलेगा कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्या थे, उनकी मनोकामनाएं क्या थी, उनका युवाओं के प्रति एस्पेक्ट क्या था, उनका युवाओं के प्रति जिज्ञासा क्या थी कि हमारे युवा हमारे राष्ट्र के कर्णधार कैसे बने। जब उनके विचारों को अपने विचारों से एक बार जोड़ करके देखेंगे तो सामर्थ्य तो इतनी ज़्यादा आएगी जितनी सामर्थ्य रामायण में हनुमान के साथ राम को आ गई थी। राम के साथ हनुमान के जीवन में जितना ज़्यादा सामर्थ्य आया था, राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान में उड़ेल दी, बताया कि जा करके दिखाओ तुम्हें अगर मेरा काम करना है तो कभी शक्ति की कमी नहीं पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन में। श्वेत बांध रामेश्वरम बांधना था, सारे बानर भालू जा करके रिक्ष गिलहरी जाकर के पुल बांध रहे थे। नल नील ने कहा, एक थ्योरी दिया वहाँ पर कि साहब हम लोग तो इंजीनियर हैं, थ्योरी मेरा ये है कि जिस पत्थर के ऊपर राम लिख करके तुम जाकर के समुंदर में फेंक दोगे वो पत्थर डूबेगा नहीं, वो समुद्र के ऊपर आकर के पानी में तैरने लगेगा। नल नील ने थ्योरी दिया, सारे बानर भालू आते आकर के राम पत्थर पर राम लिखा जाता, बड़े बड़े चट्टान को समुंदर में फेंक दिया जाता। आश्चर्य की बात, वो पत्थर समुद्र में फेंकने के बाद रामेश्वरम के पुल बनने लगा और समुद्र की सतह के ऊपर आकर के वो तैरने लगा, समुद्र के पानी के ऊपर वो आकर के तैरने लगा। श्री राम के मन में शंका हुई कि साहब इतने सारे बानर भालू इतने सारे रिक्ष गिलहरी पुल बांध रहे हैं और मैं यहाँ बैठ करके मालिक की तरह आदेश दे रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी पुल बांधने में मदद करनी चाहिए। राम जी एक पत्थर उठा करके गए, जाकर के कहते हैं मैं इसे समुंदर में फेंकूंगा, मैं उसे समुंदर में ले जा करके डालूंगा, ये भी तैरने लगेगा। मन में शंका आई कि साहब सारे बानर साइंस के अगेंस्ट है, पत्थर समुंदर में फेंकोगे वो डूबेगा। वो कहते हैं नहीं, हम जाकर के पत्थर समुंदर में फेंकेंगे, वो तैरना चाहिए। राम जी सोचते हैं सारे बस सारे बानर भालू पत्थर फेंक रहे हैं, वो तैर जा रहा है, अगर कहीं मैंने पत्थर फेंका वो पत्थर अगर समुंदर में डूब गया तो सारे बानर सोचेंगे कि राम के अंदर शक्ति है ही नहीं, साहब ये पत्थर भी फेंके तो वो समुंदर में डूब गया। मन में जिज्ञासा लिए हुए, मन में संशय लिए हुए पत्थर उठाते हैं और सारे बानर भालुओं से दूर चले जाते हैं, समुद्र के दूसरे छोर पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पत्थर को उठा करके सोचते हैं, आगे पीछे मुड़ करके देखते हैं कोई है तो नहीं, जब देखते हैं कोई नहीं है तो पत्थर को उठा करके फेंकते हैं समुद्र में। जैसे ही समुद्र में पत्थर को फेंकते हैं वो पत्थर डूब जाता है, डूब करके समुद्र के नीचे चला जाता है। दाएं बाएं देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं, हनुमान जी पीछे बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु मैंने देख लिया। तुमने देख लिया, क्या देखा हनुमान? वहाँ पर हनुमान कहते हैं पत्थर फेंका डूब गया, वही मैंने देखा। राम कहते हैं किसी से बताना मत, अगर बानरों को पता चल जाएगा कि पत्थर डूब गया तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कह रहे राम के अंदर शक्ति है नहीं, इनके आंदोलन में हम लोग बताओ जामुन खा रहे थे, पेड़ पर आम तोड़ रहे थे, पकड़ करके ले आए हैं, रावण के सामने ले जा करके मरवा देंगे, शक्ति तो इनके पास है ही नहीं। हनुमान कहते हैं प्रभु आपने समझा नहीं। क्या मैंने नहीं समझा हनुमान? प्रभु आपने ये नहीं समझा कि आपने समुंदर में पत्थर फेंका वो डूब कैसे गया। राम पूछते हैं अच्छा तुम ही बताओ क्यों डूब गया? हनुमान कहते हैं प्रभु हम लोग तो राम का नाम लिख करके समुंदर पत्थर को पानी में फेंक रहे हैं, समुद्र में फेंक रहे हैं, वो पत्थर केवल आपके नाम से समुद्र की सतह पर तैर लग रहा है, तैरने लग रहा है, लेकिन आप अगर किसी भी चीज़ को उठा करके एक बार अपने हाथों से फेंक दें उसे बचाने वाला धरती पर कोई नहीं है, उसे जा करके डूबना ही पड़ेगा। ये मैसेज है यहाँ से, पत्थर जा करके डूबेगा।
पत्थर को बचाने वाला कोई नहीं है। जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के साथ अपने विचारों को मिला लिया, हनुमान को आप देखें, लंका जाकर के जला देना उस समय का साधारण बात नहीं था। करोड़ों लाखों योजन लंबा समुद्र एक छलांग में मैनाक पर्वत से कूद करके दूसरी पार लंका में पहुंच जाना साधारण बात नहीं थी। अंगद का जाकर के लंका में अपना दाहिना पैर जमा देना और लंकेश रावण को चुनौती दे देना कि आकर के पैर हिला करके दिखा दो, साधारण बात नहीं थी। जितनी भी काम रामायण में हुआ सारे के सारे काम असाधारण थे। भले ही बानर भालू समझते हो ये काम मैं कर रहा हूँ, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सारे ग्वाल बालों ने कहा कि साहब हम लोग लाठी डंडा तलवार भाला लेकर के पहाड़ उठाए हुए हैं, ये कृष्ण कानी उंगली लगा दिया और कह रहा है पहाड़ हम उठाए थे। आप कल्पना करिए वहाँ पर शक्ति किसकी काम कर रही थी। भले ही जीवन में हमारे आ जाता है ये काम हमने कर लिया, कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति वहाँ पर कार्य करती है और हमारे जीवन को बेहतर बनाती चली जाती है। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच में हम सभी के बड़े भाई, मार्गदर्शक, प्रेरणा